बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुक स्टाइल एंड स्माइल विद हिना की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपनों का साथ इंजॉय कर रहे होंगे। गर्मियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि पाकिस्तान में होता है मौसम गर्मा बहुत ज़्यादा इंटेंस। आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत चिल सी रेसिपी, कैसे बनती है आइए चल के देखते हैं। हम बना रहे हैं समर डिलाइट, स्टार्ट करते हैं ग्लिम्प्स से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जल्दी से आ जाइए उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो समर डिलाइट बनाने के लिए हमें चाहिए। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, हर घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। मैं इस्तेमाल करूंगी 3 से 4 हरी इलायचियों का, इसके बीज चाहिए होंगे। 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब शुगर इस्तेमाल करूंगी। चीनी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1 लीटर ऑफ मिल्क के लिए, ठीक है। 1 लीटर मिल्क यूज हो रहा है तो 250 ग्राम ऑफ शुगर होगा। ये है क्रीम जो घर में आप दूध से उतारते हैं। कलर्ड सेवैया यूज करूंगी। फ्रूट कॉकटेल का छोटा पैक यूज कर रही हूँ। इसके अलावा यूज कर रही हूँ वेनिला कस्टर्ड, कलर लेस होता है तो ये बेस्ट रहता है। इसके बाद तीनों कलर्स की जेली यूज करेंगे, येलो, ग्रीन एंड रेड। और इसके बाद हम यूज करेंगे 3 to 4 बनानास। ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपने यूज करने हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। एक डेगची लीजिए, उसके अंदर ये दूध आप ऐड कर देंगे, ठीक है। दूध आपने सारा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा बचा लेगा जिसमें आप कस्टर्ड फिर बाद में ऐड कर सकें। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि स्टार्ट में ही आपने इस दूध के अंदर ऐड कर देना है चीनी, 1 कप ऑफ शुगर यानी 250 ग्राम चीनी और 3 से 4 अदद इलायचियों के दाने, ठीक है। अब ये दो चीज़ें आपने दूध में डालने के बाद इस दूध को तकरीबन इतना अच्छा बॉयल करना है कि 5 से 7 मिनट तक ये प्रॉपर बॉयल होता रहे। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है ये वाली कलर्ड सेवैयां। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कलरलेस आम पतली सेवैयां होती हैं ये उनके नस्बत थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं, डबल या ट्रिपल समझ लें। तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से कुक करना है। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स आपने इनको अच्छे से पकाते रहना है, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपने इनमें चम्मच भी चलाना है। पकते पकते जब दूध का कलर हो जाए ऐसा येलोइश तो आपने फ्लेम को डेड कर देना है। दूसरी साइड पे जो हमने दूध रखा हुआ था उस पे हमने करना ये है कि तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के करीब आपने ऐड करना है बीच में वनीला कस्टर्ड। मैंने ऐड किया है तकरीबन 2.5, ठीक है। इसका अच्छे से आपने पेस्ट बना लेना है, घोल लीजिए। तो इसको अब आपने ऐड कर देना है, जो आपकी सेवैयां तैयार हुई हुई थी कलर्ड सेवैयां, उसमें आपने ऐड करने के बाद तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड आपका तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे कस्टर्ड को आप साइड पे रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख के अच्छा सा चिल कर लेना है, ठीक है। ये तैयार है, इसको आप साइड पे कर दीजिए। दूसरी साइड पे मैं ले लूँगी एक बोल और इसके अंदर जो मलाई होती है दूध के ऊपर से जो हम उतारते हैं कलेक्ट करते हैं ये आपने वो इसमें ऐड करनी है। लेकिन ये क्रीम जो आपकी मलाई है बहुत ठंडी होनी चाहिए। इसके बाद आपने इसको बीट करना है तकरीबन 10 टू 12 सेकंड्स के लिए, ठीक है। 10 से 12 सेकंड के लिए आप इसको बीट कर लीजिए। बीटर नहीं है तो आप इसको फोक या कांटे से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ओवर बीट मत कीजिएगा, नहीं तो ये कन्वर्ट हो जाएगी मक्खन में, ठीक है। अब ये क्रीम आप ऐड कर देंगे इसके अंदर जो आपने सेवैयां ठंडी की हुई हैं और साथ आपने फ्रूट कॉकटेल ऐड कर देना है। ये दोनों चीजें ऐड करने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने फ्रिज में रख के सेवैयों को अच्छे से 1 घंटे तक ठंडा कर लिया हो, ठीक है। क्योंकि ठंडी चीज के अंदर जब आप फ्रूट कॉकटेल या क्रीम ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट और होता है बनस्पत उसके जो आप गर्म चीज में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं बीच में ऐड कर दूंगी तकरीबन 3 to 4 चॉप्ड बनानास। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। इसको मैं करूंगी साइड पे और जेलीज मैंने शॉर्ट टाइम होने की वजह से पहले से बना के रख ली थी, तो अब हम इसकी सेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये 3 कलर की जेलीज ली हैं, 2 को क्यूब्स में काटा है और 1 को मैंने प्रॉपर प्लेट में रखा है, ठीक है। तो हाफ हम ऐड करेंगे ये वाला मिक्सचर और इसके बाद हमने इसमें 1 लेयर लगानी है रेड कलर की जेली की। इसको आप हाथों से उठा के थोड़ा सा सेट कर लें अगर कहीं पे प्रॉपर तरीके से नहीं गई भी।
आपने कॉर्नर्स पे कोशिश करनी है कि कॉर्नर्स पे आपने ये ऑरेंज और ग्रीन कलर की जेली लगानी है। कॉर्नर्स पे लगानी इसलिए ज़रूरी है कि आपकी ओवरऑल डिश जो है वो बहुत प्यारी और बहुत एनहांसिंग लुक देती है, ठीक है, क्योंकि साइड से नज़र आ रही होती है। अब आपने रिमेनिंग मिक्सचर जो है कलर सवैयों वाला और फ्रूट कॉकटेल वाला वो आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। टॉप मोस्ट लेयर पे मिनिमम जेलीज को यूज़ कीजिएगा, मैक्सिमम फ्रूट कॉकटेल को यूज़ करना है। ये है इसकी फाइनल लुक, जितनी कैप्टिवेटिंग ये ऊपर टॉप मोस्ट व्यू से लग रही है, साइड व्यू भी इसका उतना ही परफेक्ट है। जो आपने जेलीज की लेयर इन बिटवीन ऐड की थी वो साइड से बहुत प्यारी कैप्टिवेटिंग लग रही है। तो ये है आपके समर डिलाइट की फाइनल लुक। आपने मेक श्योर करना है कि खाने से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले इसको रखना है फ्रिज में, अच्छा सा करना है चिल, फैमिली के साथ करना है एंजॉय और मुझे अपनी दुआओं में रखना है याद। आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।